नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। भारतीय संस्कृति में यूं तो गुरु का बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भारत सहित समूचा विश्व जूझ रहा है, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा बीती 25 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके चलते देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार के अगले आदेश के आने तक बंद रखा गया है। वहीं छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार की सहमति से देश भर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम प्रक्रिया के तहत आगामी सत्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करवा लिया गया है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन और शासन ने उनके वेतन भुगतान को लेकर अभी तक कोई नीति स्पष्ट नहीं की है, जिससे शिक्षकों का वर्तमान और भविष्य दोनों संकट में है। बताते चलें कि इन दिनों जनपद बलरामपुर में शिक्षण संस्थानों में फीस माफ़ी का शोर बड़ी तेज़ी से चल रहा है। स्थानीय सूत्रों की माने तो जनपद बलरामपुर में कॉन्वेंट स्कूल के सभी छात्र छात्राओं की 5 माह की स्कूल फीस व वाहन शुल्क माफ़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वैश्विक महामारी विभीषिका एवं आर्थिक मंदी के कारण देश के समस्त जनमानस को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में जन सहयोग की भावना से बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल बलरामपुर की प्रबंधक समिति द्वारा संपूर्ण छात्र छात्राओं का अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक का विद्यालय एवं वाहन शुल्क तत्काल प्रभाव से माफ़ किया जा रहा है। लेकिन वहीं अध्यापकों की सैलरी का क्या होगा, इस पर विद्यालय प्रबंधन से लेकर शिक्षा अधिकारी तक सब चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन का इस मामले में कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 1 अप्रैल 2020 से अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, जिससे विद्यालय के सभी अध्यापकों को उनका मानदेय हर महीने मिलता रहा है। डीडी टुडे न्यूज के लिए बलरामपुर से ये थी गुणेश राय की रिपोर्ट। का शुल्क माफ करके उनके परिवार को, परिजनों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निवेदन व आदेशों को देखते हुए बलरामपुर में तमाम स्कूलों ने बच्चों का फीस माफ कर, वाहन शुल्क माफ कर उनके परिवारजनों को राहत दिया है। इसी बीच बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल बड़ा दुसा बलरामपुर द्वारा भी स्कूल फीस माफ किया गया है। इस संबंध में हमारे साथ प्रधानाचार्य जुड़े हैं, आइए जानते हैं इन्होंने कितने दिनों का फीस माफ किया है और किस उद्देश्य से माफ किया है। मैं कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए पूरा विश्व के साथ साथ भारतवर्ष पूरी तरीके से इस महामारी के चपेट में है। बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल दुशा इस मकसद से स्कूल खोला गया था कि समाज में कोई भी परेशानी लोगों के प्रति आएगी तो उसका पूरी तरीके से बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल साथ देगा। इसी बीच कोरोना महामारी के आने पर बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल पूरी तरीके से अभिभावकों के साथ है। 5 माह की फीस व वाहन शुल्क माफ किया गया है। मैं ऐसे अध्यापकों को और ऐसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को जिन्होंने 5-5 माह 6-6 माह का शुल्क माफ कर दिया है, जबकि गरीब जनता व इस कोरोना वैश्विक महामारी में जनता सिर्फ 3 महीने का शुल्क ही माफ चाहती थी और तमाम लोग, तमाम छात्र नेता, तमाम विद्यार्थी परिषद ये कह रहे थे कि शिक्षा नहीं तो फीस नहीं। ऐसे में तमाम विद्यालय ने अपना फीस माफ किया है। आइए प्रधानाचार्य जी से जानते हैं, क्या इस बीच अध्यापकों की सैलरी दी जाएगी या नहीं? सैलरी बिल्कुल दी जाएगी, सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अभिभावक की दयनीय हालत है। ये पिछड़ा इलाका बलरामपुर जिला आता है, तराई इलाका है, यहाँ पे अभिभावकों को राहत देना ही अच्छी बात है। स्कूल प्रशासन व्यवसाय ना करके स्कूल का कार्य होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो किसी भी विद्यालय को फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है। बलरामपुर कॉन्वेंट स्कूल इसीलिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि अभी आपने देखा, प्रधानाचार्य जी ने बताया कि जो है विद्यालय के सभी अध्यापकों को उनका शुल्क, उनकी सैलरी दी जाएगी, लेकिन तमाम जगहों पर ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में हमारी टीम डीडी टुडे न्यूज ऐसे अध्यापक, ऐसे स्कूल को नमन करती है। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।